Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to start exercise 4.3. इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शंस, ठीक है? डिफरेंट टाइप की जब हमें मेजरमेंट्स गिवन होंगी तो हम कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या गिवन होगा? आपको साइड्स और कुछ एंगल्स गिवन होंगे, ठीक है? इससे पहले आपको सारी साइड जब गिवन हो तब आपने सीखा था 4.1 में. 4.2 में आपको दो डायगनल्स प्लस तीन साइड्स गिवन है, तब आप सीख रहे थे, ठीक है, कि कैसे हम बनाते हैं. अब यहां देखिए, क्वाड्रिलेटरल बनाना है एम ओ आर ई. एम ओ गिवन है, ओ आर गिवन है, एंगल एम, एंगल ओ, एंगल आर गिवन है, ठीक है? तो एक रफ स्केच बना लेते हैं. सबसे पहले हम इसका देखिए ध्यान से. सपोज ये हमारे पास एम ओ आर ई क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे एम एंगल 60 डिग्री का है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ओ आर 4.5 है, दिस एंगल इज 105 एंड दिस इज ऑल्सो 105. क्लियर? तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए ध्यान से. सबसे पहले एम ओ बना लीजिए 6 सेंटीमीटर लंबी साइड एम ओ, ठीक है? आप क्या करोगे, एम पे आपको एंगल पता है 60 डिग्री का, तो हमें आता है 60 डिग्री का एंगल बनाना. कंपास ओपन करके कितनी भी रेडियस लेकर आपने एक आर्क लगानी है, सेम आर्क का सेम रेडियस लेके एक आर्क लगा दीजिए इस पॉइंट से, तो ये आपके पास कौन सा एंगल हो गया, 60 डिग्री, ठीक है? अभी मुझे ये नहीं पता कि ई पॉइंट यहां पर किस कहां पर है, वो हम देखेंगे कि कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इस लाइन को. अब ओ पे कौन सा एंगल बनाना है, 105 डिग्री का. ये एंगल 90 और 120 के बीच में बनेगा. सबसे पहले आप यहां पे कंपास रख के 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, है ना? उसके लिए 60 और 120 चाहिए. 60 और 120 पे रख के आर्क लगेंगी, दिस इज 90 डिग्री एंगल. क्लियर? अब 90 और 120 इन दोनों के बीच में बनेगा 105 का, तो एक आर्क आप 90 पे रख के लगाइए और एक आर्क कहां पर, 120 पे. तो ये आर्क लगी, इसको मिला दीजिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका 105 डिग्री का एंगल. अब ये साइड है कितनी, 4.5, तो यहां पे रख के 4.5 जितनी आर्क लगा दीजिए, तो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज पॉइंट आर. क्लियर? ये एक्स्ट्रा लाइन थी. अब आर पे कितने डिग्री का एंगल है, 105 का, तो आर पे कंपास को रखिए और एक आर्क ऐसे लगाइए अगेन जैसे हमने यहां पर बनाया था, ठीक है? फिर यहां 90, 60 का 120, 60 और 120 के बीच में 90, 90 के बाद कौन सा एंगल बन जाएगा, जब आप इसको मिलाएंगे देन दिस इज 90 डिग्री एंगल, फिर 90 और 120 के बीच में यहां पर बनेगा, ठीक है? तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, क्लियर? और इसको और आगे बढ़ा दीजिए, तो दिस इज पॉइंट ई. ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? तो जैसे जैसे जो भी साइड गिवन है आप उसको बनाइए और एंगल्स बनाते जाइए, ठीक है? देखो थर्ड पार्ट लिखा है मैंने यहां पर, पैरेललोग्राम एच ई ए आर बनाना है. एच ई दे रखा है, ई ए दे रखा है और एंगल आर दे रखा है, तो एक बार पहले रफ स्केच बनाते हैं. पैरेललोग्राम एच ई ए आर, एच ई 5 सेंटीमीटर, ई ए 6, एंगल आर गिवन है हमें 85 डिग्री. अच्छा, जब ये 5 है तो ये भी 5 और जब ये 6 है तो ये भी 6. क्लियर? तो हम बना सकते हैं. आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप ये वाली साइड बना लो जिसमें मुझे एक एंगल गिवन है, ठीक है? तो मैं पहले आर एच साइड बना रही हूं, यहां दिस इज आर एच. आर एच कितनी है, 6 सेंटीमीटर, स्केल की हेल्प से बनाएंगे. अब आर पे कितने डिग्री का एंगल है, 85, तो वो डी की हेल्प से आप इस पे बनाएंगे 85 डिग्री का एंगल, ठीक है? अब आर से कौन सी लाइन जा रही है, ए तक, तो आर ए ये कितना है, 5, तो कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करके आर पे नीडल रख के एक आर लगाएंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर की, है ना? यहां पर आपको पॉइंट मिल जाएगा ए. अब एच से देखो कैसे हम आर लगा सकते हैं और ए से कैसे लगा सकते हैं ताकि मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिल जाए. तो ए से जो लाइन जा रही है वो कितने सेंटीमीटर की है, 6, और एच से जो जा रही है ये, दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो एच से एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाइए और ए से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाइए. क्लियर? तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जब कंपास की हेल्प से बनाओगे तो एग्जैक्ट क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा.
ठीक है, इस पॉइंट को मिला दीजिए दोनों से, ये पॉइंट हो गया आपके पास ए आर एच, दिस इज पॉइंट ई, ठीक है, तो ये हो गया एच ई ए आर, ये 5 था तो ये भी 5, ये 6 है तो ये भी 6, क्लियर। एक हेल्प आप और ले सकते थे इसमें कि अगर ये 85 है तो इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये भी 85 होगा, ठीक है, तो आपको वैसे करना है तो आप एंगल की हेल्प से कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन नेक्स्ट क्लास, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, थैंक यू।